हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। ये वीडियोस मेरे न्यू व्यूअर्स के लिए है, स्पेशली न्यू व्यूअर्स, क्योंकि ओल्ड जो सब्सक्राइबर हैं वो चीज़ें समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो है ओल्ड के लिए भी, पर आप लोगों को ये देखनी बहुत ज़रूरी है। क्यू एंड ए सीरीज़ है जो मेरे चैनल पर चल रही है, उसमें से ये एक हम बिल्कुल एंड के पॉइंट पे आगे खड़े हैं। तो व्यूअर जो वीडियो देखेगा, ना कुछ चीज़ बेच रहा है ना कुछ कर रहा, जिसको डिसलाइक करनी है करो, जिसको लाइक करनी करो, वो आपकी मर्जी है खुद की। ये टोटली डिसीजन मेकिंग के ऊपर है कि अगर आप फ्लैट देख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्या नहीं करना है। सिर्फ ये बताऊँगा क्या नहीं करना है। फ्लैट देख रहे हो, प्लॉट, कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ देख रहे हो, क्या नहीं करना है ये बताऊँगा। आज के टाइम में ना क्या ट्रेंड आ रहा है भाई, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सर मैंने एक्स प्रॉपर्टी ले ली, मैं क्या करूं? सर मैंने वाई प्रॉपर्टी ले ली, मैं क्या करूं? आप लोग क्या सबसे बड़ी गलतियां क्या कर रहे हैं? आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? ना तो आप प्रोजेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, ज़ीरो कंपैरिजन। आप लोगों ने प्रोजेक्ट का कंपैरिजन ही नहीं किया, जो उस एरिया के प्रोजेक्ट थे आपने उनसे किसी से कंपेयर नहीं किया। आपने पेमेंट प्लान को स्टडी नहीं किया ढंग से, किसी ने भी जो मेरे पास फ़ोन आते हैं 60% लोगों ने नहीं किया। आपने लेआउट स्टडी नहीं किया, आपने करंट माइंड जो मार्केट ट्रेंड है वो नहीं देखा, आप लोगों ने प्रोजेक्ट का ओपन एरिया नहीं देखा। आपने क्या देखी? आपने चीज़ देखी, भाई मेरे को सस्ती मिल रही है। भाई सस्ती चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती, कोई भी गुड़गांव में चीज़ सस्ती नहीं है। मैंने आपको 100 बार बोल दिया, कोई भी चीज़ गुड़गांव में सस्ती नहीं है। बंधुओं, आप ये बात समझने की कोशिश करो, जो चीज़ जिस चीज़ का भाव जितना है, बिल्डर आपसे उतना भाव लेगा। सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो कोई भी है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब। ये तो कर ही सकते हो, सलाह दे रहा हूँ, तो कम से कम इतना दे दो, कोई बात नहीं, बुकिंग मत करो, कुछ मत करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो सर। आप लोगों को क्या करना है? आप लोग सपोज सोना पकड़ लेते हैं, सोना में आपने कोई प्रोजेक्ट लेने गए, आपका बजट 80 लाख रुपए है, आपका बजट 1 करोड़ रुपए है, आप लोग एक प्रोजेक्ट में गए, आपने फाइनल कर दिया। क्यों सर? यूनिट भागी जा रही है। सर यूनिट तो बिक जाएगी कल तक, यूनिट है ही नहीं, ठीक है। एक तो ये बेसिस है, दूसरा बेसिस, सर मुझे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है, हो सकता है मैं इंड्यूस भी कर सकता हूँ। ये सिनेरियो आपको कभी नहीं लेके चलना। प्रॉपर्टी एक एसेट है आपकी, ठीक है, आपके जो सगे संबंधी हैं, परिवार है, सास छोड़ सकता है, पर जो चीज़ आपके नाम है ना, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहनी है, इसको किसी ने छीनना नहीं है आपसे। आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपने लेना है, हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप उस बेस पे नहीं जाओगे। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं, अगर आपका 1 रुपये भी लग रहा है, तो यार उसको सोच के खर्च करो ना, किसी वैल्यू फॉर मनी आदमी के साथ उसे खर्च करो। 2 क्राइटेरिया हैं प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाले के, ठीक है। एक तो जो है वो एक्स को बेचते हैं, और एक है जो एक्स को बेचता है, समझ रहे हो? जो हमारा मॉडल है, हम किसी एक आदमी को प्रॉपर्टी बेचनी है, हमें 2-3-4 कंपैरिजन करके, सारी चीज़ें एनालिसिस करके, सब कुछ करके। एक आदमी मार्केट में बैठा है जिसको सिर्फ वही प्रॉपर्टी बेचनी है, भाई उसमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। सेल्स टेक्निक बहुत अच्छी हैं सभी लोगों में, सभी बिल्डर्स में, हर एक आदमी में, मेरे में भी इवन हो सकती है 19-20 अच्छी। तो हर एक आदमी की सेल्स टेक्निक है अपनी अपनी। हमारा मॉडल है, हमें एक आदमी को प्रॉपर्टी बेचनी है, सेलेक्ट करवानी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, सारी चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से करनी है। आप लोग क्या गलती कर रहे हो? आप गए एक प्रोजेक्ट पे, सर इस रेंज में तो कुछ है ही नहीं, सर दूसरा तो इस रेंज में मिलता ही नहीं है, तो हम यही लेंगे, हम क्या करेंगे? भाई मत लो ना, आप लेते क्यों? आप रहने दो उस चीज़ को लेना। अगर आपने लेनी है तो अगर उसी प्राइस में आपको थोड़ा छोटा मिल रहा है ना, और अच्छी चीज़ मिल रही है, एमिनिटीज सारी हैं, ओपन एरिया है, पेमेंट प्लान अच्छा है, बिल्डर ए क्लास है, सारी चीज़ें हैं, तो भाई थोड़ा छोटा ले लो, बट एटलीस्ट ऐसी चीज़ ले लो जो आपके काम आए। मैं कह के मर गया, मेरी पीछे पिछली वीडियो थी वो, मेरे ख्याल से 700-800 लोगों ने देखी है, सिर्फ वो पिछली वीडियो ही देख लेना आप लोग। 140 गज में 3 बेडरूम निकलता है,
अगर निकल जाएगा पैर फेरने की जगह नहीं बचेगी आपकी। आप ये चीज़ें भी कंसिडर करो सारी, देखो ना नक्शा देखो, उसमें किसी भी प्रोजेक्ट का है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता और हाई राइज ही सारे अच्छे हैं। हाई राइज में भी लेआउट देखो, आज के टाइम में जो छोटे रूम साइज़ है उसमें आपकी अलमीरा भी डलनी है, उसमें आपका LED भी लगनी है, उसमें आपका बेड भी डलना है, सारी चीज़ें होनी है। अगर आप एंड यूज़ के लिए भी ले रहे हो ना तो आपको देख के लेनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो 100% देख के लेनी है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये नहीं है क्या भाई 40-60 का प्लान है या 30-70 का पेमेंट प्लान है तो 30 अभी देना 70 बाद में देना चलो ले लो, नहीं, उसमें भी आपको प्रॉपर कंपैरिजन करके ही चीज़ें लेनी हैं। आज का टाइम सिनेरियो क्या है, आज के टाइम सिनेरियो में हो रहा है क्या भाई, एक आदमी आपको ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, ठीक है, उस आदमी को प्रॉपर उन प्रोजेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो आदमी एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। आप उस आदमी के पास डायरेक्ट मत जाओ, सिर्फ जो वही चीज़ बेचता है वो तो आपको उसी चीज़ पर फोकस करेगा ना जो आप चीज़ कर रहे हो। अगर आप जा भी रहे हो तो सभी का कंपैरिजन करो, ओपन एरिया कंपेयर करो, क्लब देखो, हर एक चीज़ करो, क्यों नहीं करोगे आप 70 लाख रुपये ऑन एन एवरेज आज के टाइम में सोना में भी 70 लाख रुपए इसके आसपास से प्रॉपर्टी शुरू है, जो अपार्टमेंट है फ्लोर्स हैं 70 लाख रुपए से लेके 1.25 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज हैं जो मिल जाती है आराम से। बाकी तो सेंट्रल पार्क तो एक्सेप्शन है, वो महंगा है भाई, वो अपने ब्रांड का ले रहा है पैसा। बट आप लोगों को सबसे पहले कंपेरिजन करना है लेआउट का, जो भी प्रॉपर्टी देख रहा है मेरे भाई लेआउट का कंपेयर करो, ओपन एरिया देखो, क्लब देखो, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में जाओ। एक प्रोजेक्ट में गए सारी यूनिट खत्म हो रही है आज ले लो आज मत लो। आप लोग कम से कम ज़्यादा दिन का प्रोसेस नहीं है ये भी, 4-5 दिन में 2-3 दिन में हो जाता है ये जो चीज़ें हैं ना, ये 2 दिन का प्रोसेस है। अगर आप किसी अच्छे आदमी के साथ बैठोगे चीज़ें क्लोज करने पे हो तो 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे आपके क्लोजिंग में, 3रा दिन नहीं लगना आपके क्लोजिंग में। 1-2 दिन में कुछ मारामारी नहीं है, आप जब कोई प्रोजेक्ट आने वाला है आपको पता आने वाला है, यहाँ पे चैनल पे बता के मर रहे हैं हम लोग और चीज़ें कर के जा रहे हैं, तो आप लोगों को जब ये पता है कि मेरे भाई क्या ये प्रोजेक्ट आने वाला है, सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो आप 1 दिन पहले सर्च कर लो के फ़र्क पड़ा है उसमें, 1 दिन क्या फ़र्क पड़ता है उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बीच में निकल जाती है, क्योंकि यार मैं बड़ा चिंतित हूँ इन चीज़ों को लेकर। आप समझने की कोशिश करो, सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, जो नए हो शायद हार्श लग सकते हैं उनको वर्ड्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या भाई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है गलत प्रॉपर्टी में, या जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी में नहीं जाता, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कुछ चीज़ों को लेके। तो डिसीजन मेकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं 5-7-10 मिनट में आज की वीडियो में आपको पूरा नहीं समझा सकता। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे है, चाहे न्यू गुड़गांव है, चाहे सोना है, चाहे एक्सटेंशन रोड है, उसके लिए ना आपको टाइम चाहिए 1-2 दिन का। आपको बजट आपको पहले ही पता है आपको क्या भाई ये बजट है मेरा, उसमें मेरे को कोई पता नहीं है भाई आपको बजट पता है, आपको ये पता है मेरे को क्या करना है इस प्रॉपर्टी के साथ, हम इन लोगों को सिर्फ उसके साथ आपकी डिसीजन मेकिंग करवानी है। तो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, जो एक प्रोडक्ट को बेचता है वो एक ही प्रोडक्ट को बेचेगा, जो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है वो आपकी वैल्यू जानता है, वो आपकी कदर जानता है, ठीक है। तो जो नया व्यूअर है वो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो ओल्ड व्यूअर है मैंने इसलिए बोला आप लोगों के लिए वीडियो पहले क्या नहीं है, क्योंकि ना आप लोग ये गलती मेरे को बोलते हैं सर हमने आपके 50 वीडियो देखी है, हमने आपके 100 वीडियो देख ली, हमने तो हम चैनल को फॉलो करते हैं, और फिर आप कहते हो मैंने ये डिसीजन ले लिया, और फिर आप मेरे को कहते हो भाई कैंसिल करें ना करें। सर आप लोग इन्हें इतनी वीडियो मेरी देख ली, आपने 4-5 महीने 6 महीने हो गए प्रोडक्ट को देखते हुए चीज़ों को देखते हुए, आप फिर गलत डिसीजन में जा रहे हो। आप डिसीजन लेके मेरे को बोल रहे हो सर ये कैसा है, नहीं ये गलत तरीका है। डिसीजन मेकिंग करवाने वाला जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं ना हूँ। आप और वीडियोस देखते हो जिससे इन्फ्लुएंस होते हो, उसके थ्रू देखो, सारे प्रोजेक्ट्स दिखाएगा आदमी जो तरीके से काम करता होगा, बिना इरिटेट हुए सारे सवालों के जवाब देगा, हर एक कंपैरिजन करेगा, हर एक चीज़ें बताएगा, जो अच्छा आदमी होगा, हर एक आदमी नहीं बताएगा। किसी आज तेजी का दौर है किसके पास टाइम है इतना, मैं तो भाई आप लोगों की बातें आधा आधा घंटा फ़ोन पर भी सुन रहा हूँ, किसी के पास टाइम नहीं आधा घंटा सुनने का। आप समझने की कोशिश कीजिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा ईजी है, ठीक है, बट किसी जो परफेक्ट गाय है ना जो आपकी मदद कर सकता है उसी के साथ जाओ, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखा के एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है वहाँ पे चक्रों में मत पड़ो। आप अगर वो भी प्रोडक्ट देख के, अगर मैं सपोज कहता हूँ भाई इस एरिया का ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो मेरे पास उसकी नॉलेज है, मैं उसकी कंपैरिजन करके दूंगा आपको, मैं उसकी सारी चीज़ें
दूसरों के भी बताऊंगा, उसके बताऊंगा जब बताऊंगा आपको, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। तो डिसीजन मेकिंग में इतना डिले भी नहीं करना आपको, क्या चीज़ें ही निकल जाएं भाई। जो अच्छा बंदा होगा वो एक दो दिन में आपका सारा फाइनल करा देगा, दो तीन दिन में। और आपको इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी कि आपने अभी गए भाई ये तो यूनिट अभी निकल जाएगी, दो घंटे में अभी ले लो। नहीं भाई, जो दूसरे उसके साथ दो तीन प्रोजेक्ट है ना, उसी लेवल के हैं, उसी स्टेज पे हैं, किसी भी स्टेज के बजट के, उनको देख के ही लेना है आप लोगों को। प्रोजेक्ट नहीं देखोगे तो प्रोजेक्ट के बारे में एटलीस्ट उस आदमी से लो जिस आदमी को उन प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्ञान हो। आपको उसी के बारे में नेगेटिव ना करें, उसी के बारे में पॉजिटिव ना करें, आपको न्यूट्रल रह के सारी चीज़ें समझाए। उम्मीद करता हूँ ये कुछ ऐड कर पाई होगी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू, क्योंकि ना जो ये चीज़ें हैं ना, साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, ये हर एक आदमी बताने से कतराता है। सबको चाहिए मेरे पास आए प्रॉपर्टी ले, जब समझाऊंगा भाई, समझा रहा हूँ, गलत मत जाओ कोई भी। आप लोगों को कोई भी संशय है, हर एक आदमी की 30 मिनट की एक घंटे की कॉल अटेंड करने का मेरा मादा नहीं है, जो प्रॉपर्टी ले ले उसके बाद, और जो मेरा सब्सक्राइबर भी हो भाई, कम से कम भी कंसल्ट तो कर लो पहले। चीज़ समझ रहा है तो कोई बात नहीं, किसी से भी ले लो, पर कंसल्ट तो करो, एक बार बात तो कर लो पहले, लेने से पहले। लेने के बाद क्या बात कर रहे हो आप लोग, लेने के बाद मैं वो चीज़ को कैंसिल थोड़ी करवाऊंगा आपकी चीज़ों को, नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आपने 6 महीने मेहनत करी, आप कैंसिल क्यों करोगे भाई, अपने अकॉर्डिंग लिए नीड के अकॉर्डिंग। तो मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है आपसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी एक एसेट है जो आपकी ज़िंदगी भर की जुड़ी है, उसको ख़राब ना करें, ना करें, ना करें। एक एक्सपर्ट की राय लेके ही काम करें, वो एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट ज़रूरी नहीं मैं ही हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो, और आप इन गलतियाँ करने से बचोगे, और डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट जो आपके प्रोसेस का हिस्सा है, जो कि कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट लेके करोगे, उसको दलाल नहीं मानोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।